नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम सिंपल रिंग के ऊपर बेस्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जिसे मैं एज अ हेडिंग यहाँ पर यूज कर रही हूँ। डिविजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। हमारे पास में डिविजन रिंग एक स्पेशल टाइप का रिंग होता है और सिंपल रिंग भी एक स्पेशल टाइप की रिंग होती है। अगर हमें एग्जाम में चेक करना हो कि कोई भी आपको एक रिंग दे रखी है कि क्या वो सिंपल रिंग है या फिर नहीं है, तो अगर वो एक डिविजन रिंग आ जाती है तो वो एक सिंपल रिंग डेफिनेटली हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट से, जो कि सेम है इसकी हेडिंग ही। और डिविजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। ये चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी अ डिविजन रिंग। अब अगर वो डिविजन रिंग है, इसका मतलब कि वो क्या है, रिंग विद यूनिटी। नाउ आर इज अ डिविजन रिंग, therefore it is a ring with unity। क्योंकि कोई भी ring with unity कोई भी ring with unity होती है अगर उसका हर एक non-zero element का inverse exist करे, तब हम उसको division ring कहते हैं। इसका मतलब कि division ring ring with unity तो होगी ही। अब हमारे पास में रिंग विद यूनिटी है तो वन बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि आर जो है वो सिंगलटन सेट जीरो के बराबर नहीं है, उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसका एक आइडियल ले लेते हैं। हमें इसको सिंपल रिंग प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि सबसे पहले ये एक नॉन जीरो रिंग है, इसके अलावा इसके ट्रिवियल आइडियल्स यानी कि सिंगलटन सेट जीरो और द रिंग इटसेल्फ, इसके अलावा कोई और आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका एक आइडियल ले लेते हैं जो कि हमारे पास में एक नॉन जीरो आइडियल है। लेट ए नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो बी एन आइडियल ऑफ आर। हम कुछ स्टेप्स के बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि ए कुछ और नहीं बल्कि आर ही हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर रिंग के खाली दो ही आइडियल्स होंगे, एक तो होगा सिंगलटन सेट जीरो और एक हो जाएगा खुद आर। लेट ए नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो बी एन आइडियल ऑफ आर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसके अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाउ R is a division ring। R division ring है, इसका मतलब इसके हर एक non-zero element का inverse exist कर रहा है। Therefore, there exists A inverse belongs to R such that A inverse is equal to 1। अब यहां पर देखिए A जो है वो A को belong कर रहा है, A inverse जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। क्यों? बिकॉज ए जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, कंटेन्ड इन इक्वल टू आर एंड ए इज नॉन जीरो विच बिलोंग्स टू आर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए ए जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए। क्यों? बिकॉज ए इज एन आइडियल। हमें यहां पर आइडियल की डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज करते हुए हमें क्या मिल चुका है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए। नाउ 1 बिलोंग्स टू ए, तो हमने एक थ्योरम करी थी और जब मैंने आपको आइडियल में ये वाली थ्योरम कराई थी तब कहा था कि ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ यूनिटी बिलोंग्स टू आइडियल देन आइडियल बिकम्स रिंग।
तो हमारे पास में वन जो है यानी कि यूनिटी वो ए को बिलोंग कर गई, तो हमारे पास में ए क्या हो गया, आर। तो हमारे पास में जो हमने एक आइडियल लिया था जो कि सिंगलटन सेट जीरो के बराबर नहीं है तो वो आर हो गया। तो हमारे पास में इस रिंग के अंदर खाली दो ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, इट्स आइडियल्स विल बी आइदर जीरो एंड आर, इसके अलावा कोई और आइडियल्स इसके एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। देयरफॉर आर इज अ सिंपल रिंग, तो इसलिए हमारे पास में आर जो है वो एक सिंपल रिंग हो जाती है। इस थ्योरम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसको आपको प्रूफ करना हो कि ये सिंपल रिंग है, सिंपल रिंग प्रूफ करने के बजाय ये ज्यादा आसान होता है प्रूफ करना कि वो डिविजन रिंग है। तो अगर डिविजन रिंग प्रूफ हो गई तो इस थ्योरम को आप डायरेक्टली स्टेट कर सकते हो कि एवरी डिविजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। तो इसी के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस थ्योरम को एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी एक और स्टेटमेंट है जो मैं आपको स्टेट करके बता रही हूं यहां पर, आर विद यूनिटी देन नो प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर, नो प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर कंटेन एंड Invertible element of R and hence prove a field has no proper ideals. इस थ्योरम की एक और स्टेटमेंट मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स में देखी है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ जो है दोनों का सेम है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि सिंपल रिंग के ऊपर बेस्ड है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।